जॉन सिना की जबरदस्त राइवलरी सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी राइवलरी के बारे में जिसमें जंग थी रियल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी कि कौन है WWE का रियल फेस। इस राइवलरी में नफरत भी थी, हीट भी थी, एक जलन भावना भी थी, मगर एक शानदार स्टोरी भी थी। एपिसोड 2, The Animal Batista versus the Nation Leader John Cena. Batista is the new WWE champion. John Cena, the name and face of the WWE. जॉन सिना और बटिस्टा ने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया। दोनों OVW क्लास में भी थे। साल 2002 में उन्होंने WWE में एक साथ डेब्यू भी किया और साल 2002 में WWE नए स्टार्स बना रही थी और वो दोनों स्टार्स कोई और नहीं बल्कि जॉन सिना और बटिस्टा ही थे। साल 2005 में दोनों अपनी पहली वर्ल्ड टाइटल जीतते हैं। दोनों अपने रिस्पेक्टिव टाइटल्स के साथ अलग अलग ब्रांड में ड्राफ्ट कर दिए जाते हैं, जहां बटिस्टा को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ। जॉन सिना को, जो उस वक्त माना जाता था ए शो मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर दिया जाता है। दोनों के करियर पीक पर थे, दोनों अपने अपने ब्रांड्स के टॉप स्टार थे, मगर इन दोनों के करियर पैरेलल चल रहे थे और फैंस चाहते थे इनका क्लैश देखना। फैंस के लिए ये एक फैंटेसी वॉरफेयर था जो कि 2008 में पूरा होता है, मगर एक रैंडम मैच बना दिया जाता है। समरस्लैम 2008 में पहली बार बटिस्टा वर्सेस जॉन सिना होता है, जिसे जीतते हैं बटिस्टा। लेकिन इस बिग मनी मैच में जो कमी थी वो थी हाइप की और एक परफेक्ट स्टोरी की, क्योंकि ये फ्यूड 2008 में कंटिन्यू नहीं हो पाती क्योंकि सीना इंजर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से 2010 में The Animal Batista वर्सेस जॉन सीना की फ्यूड को स्टार्ट कर दिया जाता है। 2010 एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना एक ब्रूटल एलिमिनेशन चेंबर मैच में अपनी टाइटल डिफेंड करते हैं और जॉन सीना जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं कि विंस मैकमैन आकर उनके लिए बटिस्टा भेज देते हैं और बटिस्टा जॉन सिना को हराकर एलिमिनेशन चैम्बर में नए WWE चैंपियन बन जाते हैं, जिसके चलते WrestleMania 26 में इन दोनों का मैच सेटअप हो जाता है। अब की बार बटिस्टा एक हील थे और बटिस्टा की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। बटिस्टा का मानना था कि मैं भी WWE का एक टॉप स्टार हूँ, मैं भी वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, मैंने भी लेजेंड्स को डिफीट किया है, मगर WWE के पोस्टर बॉय तुम क्यों हो, हर कवर पर तुम्हारा फेस क्यों है। बटिस्टा का कहना था कि मैं इस फेस को ही तोड़ दूंगा WrestleMania 26 में, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता क्योंकि सीनेशन लीडर सुपर बेबी फेस जॉन सिना बटिस्टा को WrestleMania 26 में टैप आउट करवा देते हैं। लेकिन बटिस्टा नहीं रुकने वाले थे। बटिस्टा अगली मंडे नाइट रो पर आकर बोलते हैं कि वो जॉन सिना की विक्ट्री एक फ्लूक थी, उन्हें जॉन सिना को डिस्ट्रॉय करना है और वो ये काम कर सकते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में, जिसे जॉन सिना एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सट्रीम रूल्स 2010 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में जॉन सिना बटिस्टा को फिर हरा देते हैं, मगर जॉन सिना ने एक चीप भी निकाला, एक ट्रिक। जॉन सिना ने बटिस्टा के पैर ही बांध दिए, जिस वजह से बटिस्टा खड़े नहीं हो पाए, जिस पॉइंट को बटिस्टा अगली मंडे नाइट रो में उठाते हैं और कहते हैं कि जॉन सिना ने एक बहुत ही वाहियात तरीका निकाला जीतने का, जिसे खुद जॉन सिना भी एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं और सच में वो तरीका अच्छा नहीं था, जिस वजह से ओवर द लिमिट 2010 में इन दोनों का मैच सेटअप होता है आई क्विट मैच। इस मैच में हमें ब्रुटैलिटी देखने को मिली, एक फाइट देखने को मिली। दोनों सुपरस्टार्स हार नहीं मान रहे थे, लेकिन सिर्फ जब तक जब जॉन सिना बटिस्टा को लेकर स्टेज पे खड़ी हुई कार की छत पर खड़े होके अपना फिनिशिंग मूव एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने वाले होते हैं। बटिस्टा डर के मारे कह देते हैं आई क्विट। तो इस तरह ये राइवलरी खत्म हो जाती है। जॉन सिना इस राइवलरी को बिल्कुल क्लीन तरीके से जीत जाते हैं और बटिस्टा अगले मंडे नाइट रो पर आके WWE को ही आई क्विट कह देते हैं और जॉन सिना काफी सालों तक WWE के टॉप स्टार ही बने रहते हैं। हालांकि अब ये दोनों हॉलीवुड मेगा स्टार्स बन चुके हैं। लेकिन आप लोग बताइए गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आपका जॉन सिना वर्सेस बटिस्टा में फेवरेट राइवलरी मोमेंट कौन सा था, कौन सा आपका फेवरेट मैच था? और इसी के साथ साथ ये भी बताना कि अगला जॉन सिना की जबरदस्त राइवल सीरीज में जॉन सिना के किस अपोनेंट को देखना चाहते हैं, आप जॉन सिना की कौन सी राइवलरी देखना चाहते हैं। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।